गुरु का लंगर, गुरु का लंगर एक इदा दी चीज़ है कि गुरु का लंगर यह नहीं वेखदा कि यह मुसलमान है, गुरु का लंगर यह नहीं वेखदा कि यह हिंदू है, गुरु का लंगर यह नहीं गा वेखदा कि यूक्रेन है, इत्थे इत्थे मैनू जाना चाहिए वै या नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सिर्फ एक गुरु का लंगर है जिहड़ा जिथे मुश्किल होवे उत्थे जा पहुँचदा वै ते लोकां दीआं मुश्किलां हल हो जांदीआं। अज तुसीं वीडियो देखोगे तो माण महसूस करोगे। हाँ जी, वट्सअप आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं, फेसबुक आते हैं। फेसबुक जो मेरे पेज लाइक करो, वट्सअप तो मैंने मजीद इदा दी वीडियो सेंड करो। सो वीडियो स्टार्ट करिए, गो। यूक्रेन में जहां एक तरफ युद्ध लगा है, वहीं दूसरे तरफ सिखों ने अलग अलग जगहों पर गुरु का लंगर लगाया हुआ है। और न केवल लंगर बल्कि उन्हें रहने के लिए स्थान भी दिया गया और जितनी भी सहायता हो सकती है दी जा रही है। जैसे ये लंगर खालसा एड की तरफ से यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी के बाहर लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों की काफी भीड़ है जो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए खाने का इंतजाम किया है और उन्हें हौसला भी दिया है कि जल्दी ही वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। आज वेख लवो, ये है गुरु नानक दरबार जो के यूक्रेन के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर भी आने जाने वालों के लिए गुरु के लंगर का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर हर दिन हर पल सेवा चल रही है। ये एक और गुरुद्वारा साहब है, लेकिन ये पोलैंड में है। जो लोग यूक्रेन से पोलैंड में जाते हैं तो जब तक उनका वापस जाने का इंतजाम नहीं होता तब तक यहाँ उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जाता है। ये स्थान है यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर। जब गाड़ियां भर भर कर बॉर्डर पर आती हैं और यहां से अगले स्थान यानी पोलैंड जा और भी किसी स्थान पर जाती हैं, तो यहां पर खालसा एड की टीम ने गुरु के लंगर के साथ साथ दवाइयों का लंगर और अन्य तरह की सुविधाएं जैसे कपड़े या फिर घर पर बात करने के लिए नेट की सुविधा भी यहाँ पर दी है। इसके अलावा ये तस्वीर है महाराजा रेस्टोरेंट की। यहाँ के मालिक है कुलविंदर सिंह। इन्होंने युद्ध में कमाई करने के बजाय सेवा करने की ठानी और अपने रेस्टोरेंट में ही सभी के लिए गुरु का लंगर लगा दिया और इस मुश्किल घड़ी में सभी की सेवा की। संगत जी, इसी तरह से और भी बहुत सारे सिख इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं। कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई गाड़ियों की, कोई दवाइयों की, जिससे जितना हो सकता है वह सेवा कर रहा है। और वाहेगुरु से अरदास है कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो ता जो लोग फिर से अपने घरों को जा सकें, अपने परिवार के साथ मिलकर रह सकें, फिर से स्थान पर सुख शांति आ सकें। धन्यवाद, और धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो अपने बच्चों को अपने सिखों को सेवा करने की शक्ति दे रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाय 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 हाय, इन्नू कहंदे आ गुरु का लंगर है। अच्छा मैं तुम्हें सही गल दसा, मुसलमानों तुम मेरी गल का गुस्सा ना करो, तो शिवसेना वाले वो भावें गुस्सा करते हैं तो करते रहन, मैनू किसी का कोई भार नहीं गा। जिन्हें भी दुनिया के जिथे जिथे भी मुश्किल आई मैं, चाहे वह करोना के मुसलमाना ने मैं देखा वै, इन्होंने ये इस तरह जाके लंगर नहीं गा लाया। हिंदुओं को मैं देखा, हिंदुओं को तो बल्कि मार कटाई की है। इन्हों का यह हिसाब से कोई मंदिर में कोई बच्चा मुसलमाना का बच्चा को पानी पीन भी गया तो उसकी धौं ला दिती है कि तू इसे पानी पीन क्यों आया वै। इन्हें भी तुम गल छो, ये तो है ही शिवसेना वाले है। सिर्फ सिर्फ एक सिख है, भावें वह मुसलमाना उत्ते जुलम हों, भावें मतलब कहता है कि जिते मर्जी हो, जिते मतलब कहता है कि जलजला आया हो, भावें उत्थे सलाब आया हो, भावें रोहंगिया के मुसलमाना के उत्ते जुलम हों, मुसलमाना साड़िया हो, साड़न जान दिया हो, कोई मुसलमान उत्थे नहीं गा पहुँचता। मुसलमानों मैं गल बिल्कुल सच कर रहा वै, कोई मुसलमान नहीं उसे, कोई मुसलमान मुल्क नहीं उत्थे पहुँचे। हालांकि पाकिस्तान जड़ा वै एटमी पावर है, इनू तो चाहिए सगा सब तो पहले जाके उत्थे पहुँचता रोहंगिया के मुसलमाना वास्ते। बस यही चीज़ मैं दसना चाहना मैं, सिर्फ सिर्फ एक सी, उसका नाम सी खालसा एड। आए आए खालसा एड, इनू कहंदे ने 2% लोग हैं। कई लोग इनू आतंकवादी भी कह देंगे, दहशतगर्द भी कह देंगे,
कोई मसला नहीं, कहते हैं तो कहते रहन, लेकिन खालसा एड वाले जेड़े है वो जेड़ा मैं मुसलमान जो मैं अपनी मुसलमानी की नज़र जो मैं समझना मैं दुनिया के जेड़े मर्जी कोने के जिथे भी मुश्किल आई है ये उत्थे पहुँचे है। यूक्रेन का तुम देखो आप वीडियो देखते जी यूक्रेन की कि दुनिया यूक्रेन के भजन की करन दी है, किसी अपने एक मिनट का नहीं पता कि टाइम धमाका आना तो मैं दबड़दूज हो जाना मैं, किसी बंदे नूं यकीन नहीं गा। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं यूक्रेन दे विचों निकला तो मेरी जिंदगी सलामत हो जाए है। सिर्फ सिर्फ एक खालसा एड वाले है। मैं कहना कि यार हुण दसो हुण मैनूं दसो होर मैं सच गल करन लिया मैं बिल्कुल हकीकत गल, सिर्फ सिर्फ एक खालसा एड वाले है जिहड़े उत्थे जांदे है अपनी जान दी उन्हां नूं कोई परवाह नहीं गा। मावां घर बैठियां है जिहड़े इहो ही शेव सीना वाले लोग की कहिंदे सी उन्हां नूं आतंकवादी है दहशतगर्द है 2% लोग है खालिस्तानी है पता नहीं की कुछ क्या है। उन्हां दियां मावां कोलो पुछो जिन्हां नूं फिक्र हुंदा कि मेरे पोतरे पता नहीं रोटी खाधी है कि नहीं खाधी है। मतलब कहन दा ये है कि उन्हां दा फिक्र ही खत्म हो गया जदों उन्हां नूं पता चलदा वै कि मेरे जिहड़े बच्चे है ये खालसा एड वालियां दे कोल सही सलामत पहुँच गए वो शुकराना अदा करदे ने पूरी किसी अपनी गौरमेंट ते इतमाद नहीं है। इंडियन जेडे शिव सेना वाले है इन्हों अपनी गौरमेंट के उत्ते भी इतमाद नहीं है कि ये भी पता नहीं साढ़े मुंडे नूं या कुड़ी बच्चे नूं वापस सही सलामत लेआउणगे या नहीं लेआउणगे, कोई इतमाद नहीं है। सिर्फ सिर्फ अगर इतमाद हैगा वह अज तो सिख के उत्ते जिते वेखते हैं कि अज इन्ने जिहड़े लोग है वह सिखा दे कोल आ गए है। अच्छा फिर सिख जिहड़े है वह सिर्फ इन्हों नहीं संभालते, उत्थे जिहड़े लोग जख्मी है उन्हां दी मलम पट्टी भी करन दे है। जिहड़े लोग मतलब कि जिन्हां नूं भुख की जरूरत है एक तो चीज़ आपां देखन दे सी वीडियो दे विच कि एक भाई दा रेस्टोरेंट है उन्हूं चाहिदा सीगा कि समान अपना हर चीज़ महंगा कर दिंदा क्योंकि लोगों की मजबूरी है लोगों ने तो अपना ढिड भरना ही भरना वै, लेकिन नहीं उन्हें कहा नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, उन्हें चीज़ा सस्तियाँ कर दियाँ बल्कि उन्हें लंगर ही फ्री लाता कि जड़ा मर्जी आवे जड़ा मर्जी छगे तो जड़ा मर्जी आए हाए 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 हाए। यूक्रेन का सदर भी सोचता होएगा कि भी पूरी दुनिया के कोई भी मेरी मदद वास्ते नहीं आया, सिर्फ सिर्फ एक आए सी उहदा नाम है सिख, उहदा नाम है गुरु के लाडले सिख खालसा एड वाले, हुण उही सिर्फ आए सीगे आके उन्होंने आके लंगर लोगों की सेवा करते सीगे हाए हाए हाए। सोचता होएगा खालसा एड वाले सलाम पेश करता होएगा सलूट करता होएगा दिलों अंदरों, बस जो मैं अपनी मुसलमानी दे तरफ जो मैं समझना सी वो मैं तुहानू दस्सिया, बाकी तुहाडा ही ख्याल है तुहाडी किराए है तुसीं कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। इस आई दी वीडियो मिलेंगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते, इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।